सबसे पहले कैपेसिटर को हम एल शेप में बेंड करेंगे एज पर आवर पीसीबी डिजाइन, और इसके बाद हम माउंटिंग करेंगे। और बेंडिंग करते समय यह ध्यान देना है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो पीसीबी के पोलैरिटी के अकॉर्डिंग मुड़नी चाहिए, यह ना कि गलत मुड़ गया हो। और इस हम कैपेसिटर को जो है कि सीधा भी लगा सकते हैं खड़ा करके, बट हमारे सर्किट में यहाँ पे लेटा के लगाना है तो हम इसको पहले एल शेप में बेंड कर लिए हैं, फिर पोलैरिटी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस देख के इसमें माउंटिंग कर रहे हैं। माउंटिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसको पलट देंगे पीसीबी को। अब इसको एक एक पॉइंट को सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करते समय ध्यान देना है कि हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के लेग को कम से कम एक या दो सेकंड तक आयरन को होल्ड करना है ताकि आयरन सोल्डर को अच्छे से मेल्ट करे और कौन आकार बनाए। कभी भी अच्छे सोल्डरिंग की क्वालिटी की गुणता की पहचान होती है कि वो कौन शेप में बने हैं। अगर आप कम समय दोगे या जल्दी जल्दी सोल्डिंग करोगे तो उससे भी नुकसान है कि वो पिन होल हो जाएगा, ड्राई रह जाएगा, पूरा पैड कवर नहीं होगा, तो वो हमारा क्वालिटी फेलियर माना जाता है। तो हम प्रॉपर मेल्ट करेंगे सोल्डर को आयरन के टिप्स के ऊपर, और कम से कम दो सेकंड का टाइम देंगे। आप यहाँ पे टाइम देखोगे तो एक से दो सेकंड कम से कम हो रहा है, और हमारा टेम्परेचर आयरन है जिसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। अब सोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इसकी कटिंग प्रोसेस करेंगे स्टार्ट, और कटिंग करते समय मल्टी कटर लेंगे। और कटिंग करते समय हमें यह ध्यान देना है कि जहाँ तक हमारी सोल्डर एक से दो mm हाइट बनाता है तो उसके ऊपर ही जहाँ सोल्डर हमारा टिप खत्म हो रहा हो वहीं से कटिंग करेंगे, या ना कि सोल्डर काटते हैं। सोल्डर काटने से हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो हमें इस चीज़ों का बिल्कुल ध्यान देना है कि कटिंग जो है वो सोल्डर टिप्स जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर ही होनी चाहिए, कम से कम 2 mm। अभी ये पीसीबी में हमारा दो थ्रोल कंपोनेंट है, नेक्स्ट वायरिंग होगा। तो हमने कैपेसिटर पहले लगा लिया और सोल्डिंग कर दिया। नेक्स्ट हमारा है इसमें कॉइल है 7 pin का, जो कि हम ये फॉर्म के ऊपर रख के माउंटिंग कर रहे हैं। फॉर्म पे रखने का मेन रीज़न है कि इसके जो पिने हैं, अगर मैं 7 pin है तो डालने में थोड़ा कठिनाई होता है, और हाथ में रख के करूँगा तो ये पीसीबी का जो पैनल है वो टूटने का डर है। तो इजीली हम इसको फॉर्म पे रख दिए और इससे माउंटिंग करेंगे ताकि पिने जो है फॉर्म में घुसता चला जाता है, ठीक है। और ये माउंटिंग कंप्लीट होने के बाद फिर इसकी द्वारा सोल्डिंग करेंगे एक एक पिन करके। अब इसको पलटने के लिए कि कॉयल हाइट में ना रह जाए पलटते समय, इसके लिए हम एक प्लेन कार्डबोर्ड ले लेंगे और उस पर रख के इस तरह से पलटेंगे, और हल्का सा प्रेशर देख के इसको सोल्डिंग करेंगे ताकि कॉयल का वजन काफ़ी ज़्यादा है और कॉयल की वजह से ये कॉयल हाइट ना रह जाए पीसीबी के सरफेस से। उसके लिए हम लोग हल्का हल्का इसको प्रेशर भी देते हैं, ये देखो उंगली से प्रेशर दिया जा रहा है, और एक एक पिन को सोल्डिंग करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसीजर के साथ। और हमारा सोल्डर जो है बिल्कुल कौन आकार में बनना ही बनना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो दोबारा हम इस पे आयरन को मूव कर रहे हैं वो सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट है कि कॉयल जो है कि नीचे की तरफ भागना चाहता है क्योंकि वजन है उसमें, और पीसीबी हल्की सी बेंड भी हो जाती है, तो इसलिए हम उसको प्रेशर देके सीधा रख रहे हैं। अब सारे पॉइंट को एक एक करके सोल्डिंग करेंगे, देख लेंगे कहीं ड्राई ना हो, पिन होल ना बना हो और कहीं शॉर्टिंग भी ना हो रहा। ये बेसिकली हमारा एक कॉइल ही है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी पार्ट होता है इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो एज पर अलग अलग सर्किट में अलग अलग चीज़ें लगती है। अब इसमें हमने SMT पहले ही कंप्लीट कर रखा है। अब सोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसकी क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सोल्डिंग करते समय इसमें बहुत सारा फ्लक्स आ चुका था, तो पेट्रोल से हम ब्रश लेंगे टूथ ब्रश को, उसको हल्के प्रेशर से हल्के हाथों से इसको साफ करेंगे। सिर्फ स्पीड इसमें फास्ट है, दबाव कम देना है, नहीं तो जो हमारा SMT कंपोनेंट है वो रिमूव होने का डर बना रहता है या टूटने का डर होता है, डैमेज हो सकता है। क्लीनिंग होने के बाद हम उस पैनल को जो है कि एक पैनल में 25 पीसीबी था तो हमने उसको 5 में डिवाइड कर लिया और इस तरह से इसको रख दिया यहाँ पे। ये हमारा ऑपरेटर है। अब हम गिट्टी वायर सोल्डिंग कर रहे हैं। ये हमारा फीडर है, ये ऑटोमेटिक फीडर, इससे स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है। ये ऑटोमेटिक इसमें सोल्डर वायर जो है कि आउट होता है और टिप्स जो है कि गिरता है, जिसमें सोल्डर मेल्ट होता है और हम इजिली जहाँ पे सोल्डर करना होता है उस पॉइंट को टच करते हैं
तो सोल्डरिंग हो जाता है। लेकिन उसके लिए बेसिक नीड है कि हमारे वायर में फ्लक्स लगा होना चाहिए और टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि अब हाई टेम्परेचर पे इसमें पीवीसी पीछे से मेल्ट होने का डर होता है। और हल्की से मूवमेंट भी देना होता है कि जिससे लगाने के बाद हल्का से उसको खींचे, इससे शाइनिंग आता है। और ये फीडर जो पैडल से चलता है, नीचे इसका यहाँ पे पैडल है, इस पैडल को प्रेस करने से मोटर रन करता है और सोल्डर वायर को आगे की ओर मूवमेंट करता है। तो ये गिट्टी वायर लगने के बाद हम इस तरह से इसको सजा देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस है मेन वायरिंग करेंगे। अब ये देखो मेन वायरिंग कर रहा है। अब हर पीसी में अलग अलग नीड होता है कि किसी में लाल लगेगा, लेंथ उसकी अलग है, उसकी वायर का स्ट्रेंथ कितना है। तो एज पर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या WI कर सकते हैं, कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी सर्किट है उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग जो जो कंपोनेंट्स लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे। और कौन सी वायर कहाँ लगाना है एज पर ड्राइंग, लाल कहाँ लगाना है, काला कहाँ लगाना है, वो हम उससे देख के SOP को पढ़ के फॉलो करेंगे। और बिल्कुल सोल्डरिंग करने के बाद एक बार इसको विजुअल भी करेंगे, कहीं पिन होल वगैरह ना रह गया हो। फिर ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा, हम इसमें ट्रांजिस्टर कंपोनेंट सोल्डिंग करेंगे। ये हमारा ट्रांजिस्टर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बेसिकली एज ए बजर। इसमें बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसका जो पेपर होता है ऊपर का वो बहुत हल्का होता है, जिसमें आप अगर ज़्यादातर तक आयरन होल्ड कर दिए तो वो पेपर वहाँ से जल के निकल जाता है। तो हमें बिल्कुल बारीकी से इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए लोगों को सोल्डरिंग करने का, कि तुरंत लगाए तुरंत हटाए। और इसमें पोलैरिटी नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं भी कोई भी वायर लगा दो आउटपुट पे। और ये काफ़ी पेपर हल्के होने के कारण इसमें स्ट्रेंथ देने के लिए ये ग्लू है जो टेम्परेचर देने पर ये मेल्ट होता है और बाद में सूख के ही टाइट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वायर निकलने के चांसेस जो है कि फ्यूज से ख़त्म हो जाता है और ट्रांजिस्टर हमारा सेव हो जाता है। और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है कि हम इसको बिन में अच्छे से सजा के रख देंगे इस तरह से।